रखा जाए जिनको राम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तो एकत्र तो अपने एक बच्चे को प्रेम करते थे, फिर उन्होंने माता वाराही को, वाराही की आराधना की। माता वाराही ने कहा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं उस ब्रह्मचारी हनुमान जी को देखना चाहता हूं जो रामचंद्र जी के इतने परम भक्त हुए। मैं क्यों इतना स्त्री से प्रेम करने वाला, इतना स्त्री लोलित हुआ, काम वासना वाला हो गया, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। तो वाराही ने कहा कि तुम यहां एक भूत है, उस भूत को सिद्ध करो, वो बताएगा कि हनुमान जी कहां। तो तुलसीदास जी ने अपने अपने जीवन में कहते हैं कि पहली बार भूत सिद्धि की। भूत सिद्धि वह देवात्मा सिद्धि कही जाती है, ऐसी आत्मा जो भूत हुआ किसी कारणवश, लेकिन वह योग कल्याण करने पर उसको भूत से मुक्ति मिले, भूत तत्व से, भूत पे, भूतात्मा से मुक्ति मिलेगी। जब तुलसीदास जी के लिए वो भूत प्रत्यक्ष हुआ तो तुलसीदास जी ने उसे पूछा कि मुझे हनुमान जी का दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, यहां से थोड़ी दूर पर राम कीर्तन होता है हर रोज। संत नारायणी दास महासंत हैं, वो रोज कीर्तन करने आते हैं, उसमें आखिरी आदमी जो उठेगा तुम उसके चरण पकड़ लेना। तुलसीदास जी बोले ठीक है। वो कीर्तन सुनने गए, देखते क्या कीर्तन पूर्ण हुआ, सब लोग उठ के चले गए, वो इधर उधर ताकने लगे। तो एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी जिसकी लार टपक रही है, सफेद दाढ़ी है, पूरा दीवाने के वैसा है, वो एक बैठा हुआ था। अब तुलसीदास जी बोले आखिरी आदमी तो एक बैठा हुआ है। वो गए और उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझे हनुमान जी के दर्शन कराओ। बोले अरे मैं कौन होता हूँ, मुझे हनुमान जी वाले कुछ भी नहीं मालूम, आप मेरे पास काहे को आए हैं, कौन बोला आपको, नहीं है चले जाओ। उसे भी लगा ये दीवाना आदमी, ये क्या हनुमान जी को बताएगा। तुलसीदास जी आ गए, फिर भूत को बोला अरे तू तो सिद्धि बोला था, वहां पर एक लाल रखने वाला बूढ़ा आदमी बैठा था और उसने मुझे धमाका दिया कि मैंने हनुमान जी की सिद्धि के बारे में पूछा। तो बोला तू दीवाना है, तो जाके उसके दर्द चरण पकड़ लिया और राम नाम का जप करके कब तक चरण नहीं छोड़ना जब तक वो न कहे कि मैं हनुमान जी हूँ। दूसरे दिन वैसे ही गए और तुलसीदास जी ने रामचंद्र के हनुमान जी के चरण पकड़ लिया और राम नाम का जप करते रहे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं हनुमान हूँ, क्या चाहता है? उसने कहा मेरे हाथ से कुछ ऐसा कार्य करवाओ जैसे आपने राम सेवा की, रामचंद्र जी की सेवा की और इतना मुझे शरीर हुआ, मैं भी रामचंद्र जी की सेवा करना चाहता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा ऐसा है तो संस्कृत में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, तुम उसका प्राकृत भाषा में रामायण जी का कहकर लिखो। तुलसीदास जी ने कहा ये कैसे साध्य है, कैसे मैं कर सकता हूँ, मेरे पास उतनी विद्या कहाँ है, मैंने कहाँ सीखी नहीं। तब हनुमान जी कहते हैं कि तुम यहाँ से संत नारायणी दास रहते हैं तो तुम्हारे गुरु हैं, उनके पास जाओ और उनके चरण पकड़ लो और उन्हें कहो कि मुझे एक ऐसा ग्रंथ जो रामचंद्र जी के बारे में लिखा हो, मैं रामायण का प्राकृत भाषा में लिखना चाहता हूँ। तब नारायण दास जी ने बसंत पंचमी के दिन उन्हें माता सरस्वती का यंत्र दिया और कहा इस यंत्र से तो काम नहीं, ये तो साधना है, तो कर सकते हैं तुम, लेकिन तुम्हारे हाथ को सिद्धि आए, तुम्हारे अक्षर अच्छे आए, तुम्हारी विद्या बुद्धि हो, इसको अगर चाहते हो तो तुम नाथ संप्रदाय में एक यहाँ भरतरी नाम का एक बहुत बड़ा मंदिर है, तुम उनके पास जाओ और उस भरतरी नाम को पूछो कि हमें सरस्वती सिद्धि प्रदान करो, तो तुम्हारे हाथ को सिद्धि आएगी। भरतरी नाम के पास ऋषि गए और वहां बहुत दिन 40 दिन बैठे रहे। तब भरतनाथ जी को उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे हाथ में सिद्धि नहीं है, मैं रामायण को प्राकृत भाषा में लिखना चाहता हूँ और जो संसार में उसको रामचंद्र जी माने, रामचंद्र जी मानकर उसे प्रदान, मुझे सिद्धि प्रदान करें, ऐसी कोई चीज के लिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करो।
तो नाथ साहब फरमाए कि जितने भी साधु हैं आपको पता है उनमें इतनी सिद्धियां थी कि वो किसी भी मंत्र से देवता को खड़े करते थे, क्योंकि हमारे हिमालय में एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है जिसका हर पत्ता एक योगी, एक संत और एक देवता है, और उस पूरे पत्तों में 3 कोटि पत्ते लगे हुए हैं और 3 कोटि पत्ते देवता हैं। नाथ संप्रदाय का हर एक गुरु नवनारायण से लेकर नवनाथ भी हिमालय में उस वृक्ष के पास जाकर, जिसने उस वृक्ष को देखा और उस वृक्ष के पास बैठा, तो उन देवताओं को अपने अधीन करके कहते हैं कि आप मैं जब मंत्र पढ़ूंगा आप आएंगे, ये मेरे गुरु की आज्ञा है। जैसे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति करो मंत्र अक्षरो वाचा, मेरी भक्ति है और मेरे गुरु की शक्ति कहे देवताओं तुम्हें सिद्ध होना है। आज भी अदृश्य दृश्य रूप से नाथ संप्रदाय में उस पुरुष की बात कही जाती है। अगर आप नाथ संप्रदाय का नवनाथ सार का तो एक रहस्य है, इस वृक्ष को जो जाना उसको सारे देवताएं उसके जीवन में सहायता करते हैं। तुलसीदास जी को जब कहा मैं प्रभु मैं तो कल तक कामी था, मेरे पत्नी के पीछे घूमता था, मुझे उस वृक्ष की दर्शन कैसे अवसर हो सकता है। जब हनुमान जी ने कहा है तो तुम उस वृक्ष के पास जाओ, भरतरी नाथ ने कहा तुलसीदास जी ने कहा मेरे से होने वाली बात नहीं। तब उन्होंने एक यंत्र बनाया, एक अंगूठी बनाई और कहा कि तुम इस अंगूठी को धारण करके तुम जो भी लिखोगे उसे रामचंद्र जी मान लेंगे, तुम जो भी कहोगे ये नाथ सांप्रदाय है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति गुरु मंत्र ईश्वर वाचा। उन्होंने नाथ सांप्रदाय का यंत्र बनाया और उनके हाथ में अंगूठी पहना दी। तुलसीदास जी यह रहस्य किसी को बताने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं मेरे गुरु की आज्ञा लेकर आप सबको बता रहा हूं। उस अंगूठी को जो भी धारण करता है उसका लिखा हुआ अच्छा कार्य जो भी है वो जरूर सिद्ध होगा, वो किसी प्रकार का उसका कार्य हो वो सिद्ध होगा अगर वो अंगूठी धारण करते हैं। और उसे नाथ संप्रदाय की सिद्ध अरुणा सरस्वती नाम के यंत्र से जाना जाता है। अपने बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, अच्छे अक्षर नहीं है, पढ़ने लिखने पर भी उनके अक्षर अच्छे अक्षर आते नहीं, वो कहीं नौकरी के भी काम करते हैं लेकिन उसके उनके फर्ज अच्छी तरह लिखे नहीं जाते, या तो यो यंत्र आज वसंत पंचमी के दिन जो धारण करता है उसको श्रेष्ठता प्रदान की गई। इसके बारे में दूसरी कथा है, आपको तो पता है वाल्मीकि महर्षि चोर थे, में पहले जो थे चोर थे, बाद में नारद जी के कहने पर उन्होंने नारायण मंत्र की साधना की, वाल्मीकि ने इतनी तपस्या की, घोर तपस्या की, बाद में वे महाकवि बने, तो उनके ऊपर भी सरस्वती की कृपा करवाने वाले महर्षि नारद ही थे, और महर्षि नारद ने ही उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें उनके जीव पर सरस्वती मंत्र लिखते हुए वही अंगूठी प्रदान की थी जिससे उन्होंने रामायण लिखा और पहले आदिकवि कहलाए महर्षि वाल्मीकि। आपको पता है वाल्मीकि कैसे थे, मैं तो तुम्हें भाग्यवान कह रहा हूँ कि तुम चोर हो न कामी हो, पढ़े लिखे हो, और इसमें अगर तुम सरस्वती यंत्र धारण करते हो तो तुम तो और महान बनने जाएगी। अगर तुम्हें तुम्हारा गुरु योग्य हो, तुम्हारा गुरु देने वाला हो और तुम लगते हो तो तुम योग्य व्यक्ति तो बनना चाहिए, यही इच्छा रखते हुए मैंने उस सरस्वती यंत्र को तैयार आपके लिए तैयार किया। रही बात इसके उदाहरण, वैसे ही तुलसीदास के जमाने में एक रविदास नाम के संत हुए जो जाति के चमार थे, चप्पल सीने वाले, तो अपने माता पिता के पास बैठते और रोज चप्पल सी लेते थे। और एक दिन क्या हुआ, माता पिता ने कहा अपना बड़ा हो गया है, ये रोज जाकर बाजार में चप्पल बेच के आ। तो बाहर जब जाते थे तो बोले एक जोड़ा 2 रुपये में देना, 5 जोड़े दिए गए तो वो 5 जोड़े दे के आए, बाप के हाथ में 8 रुपये लिए। अरे बोले 2 रुपये क्या हुए, बोला एक चप्पल का जोड़ा, कोई चलते जा रहा था गरीब, उसके पाँव जल रहे थे तो उसको फ्री में दे दिया। तो बिजनेस करे व्यापार करने वाले समझे तो अपनी गोटगी कैसे चलेगी, ठीक है पहली बार छोड़ दिया, दूसरी बार उनको 8 चप्पल दे दी बेचने के लिए दे दिया, उन्हें 6 चप्पल बेच दिया और 2 चप्पल फ्री में दे दिए। अब उनको और गुस्सा आया, अकल है करीब हो गया, ऐसा हो जाएगा तो संसार कैसा होगा, इसके ऊपर अगर इसकी शादी अगर बच्चे हो जाए तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ भार पड़ेगा, तब देखेंगे ये कैसा करता है, उसकी शादी करवा दी, बच्चे हुए। फिर उन्होंने ऐसे ही करते करते एक दिन 15 चप्पल दे के भेज दिए, उनने 10 चप्पल बेचे, 5 चप्पल फ्री में दे दिए। बोले अरे उनके भाई और बाबा इसको हकाल दो, बोले नाकाम बेटा है, व्यापार नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी वो जीने दो, चलो इसको निकाल दो घर से। उनके पास कुछ नहीं थे, केवल 5 रुपये लेकर भेज दिया गया।
वो बाहर आए और इस तरह देखने लगे अपनी पत्नी को और अपने को, अपना हम कहाँ जाएंगे, कैसा होगा अपने अपने जिंदगी का। एक संत मिले और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे वाणी में सिद्धि प्रदान करता हूँ, कभी लालच में नहीं लाना और तुम्हारे जीवन को प्रभु नाम से व्यक्त करना तुम्हें जिंदगी में कभी कमी नहीं पड़ेगी। जिनको उन्होंने चप्पल सी के दे दिए और उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और यही सरस्वती यंत्र मंत्र देते होगा, एक छोटा सा मंत्र है ऐन ऐन बीजाक्षर का मंत्र करो और तुम तुम्हारे प्रभु की याद करो और निम्न करते जाओ। वो बाहर गए, एक पेड़ के नीचे बैठकर वो चप्पल सी दे, जो अगर आता था कष्टों में रहता था तो उसको यूं ही दे देते थे, नहीं कि जो पैसे जो भी देता था उसको लेकर जिंदगी चला देते और रोज प्रभु का नाम लेते थे। इसी तरह जिंदगी गुजरती गई। जब वो प्रभु का नाम लेके गए तो एक दिन वो जो मंत्र देने वाले गुरु थे उन्होंने देखा कि कितनी सत्य की जिंदगी जीता है। उन्होंने अपने शिष्य के लिए उस गुरु ने भगवान को प्रार्थना की और कहा कि कितनी गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है, प्रभु आप उसके लिए कुछ करो। उन्होंने कहा कि गुरु के कहने पर तो शिष्य को प्रसन्न होना ही था। प्रभु स्वयं भगवान एक बूढ़े आदमी का अवतार ले गए, उस रविदास के पास गए और कहा कि बेटा रोज इतनी मेहनत करते हो, सभी को इतना फ्री में सब कुछ देते हो, मैं तुम पर आशीर्वाद देता हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं रसायन दे रहा हूँ उसको तुम लोहे से लगा दो तो सोने में बदल जाएगा, मैं तुम्हें वो रसायन प्रदान करके ला रहा हूँ, तुम धनवान बनो, तुम्हारी जिंदगी का तुम्हारे जिंदगी को अच्छी तरह गुजारो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरु की कृपा है और तुम अच्छी तरह जियो। तो रविदास बोले गुरु की कृपा है उससे भी ज़्यादा क्या चाहिए, नहीं बेटा फिर भी तुम्हारे बच्चों के लिए तुम अच्छा घर बनाओ, अच्छी जिंदगी जीने के लिए मैं तुम्हें ये रसायन दे रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अब तो चप्पल सी रहा हूँ, इससे तो इस रसायन को छू नहीं सकते, मेरे झोपड़े पर रख दो, मैं उस रसायन का उपयोग करूँगा।